Peda, my name is Sundara Vishuta Pandey. I am 4 years old. My name is meaning name is Sundara means beautiful. Vishuta means prasiddhi. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। दोस्तों, आज तक हम लोगों ने करियर के ऊपर बहुत बातचीत की, कई बातें हम लोग यहाँ पे शिक्षा को लेके करते रहे, लेकिन आज जो एपिसोड होने वाला है वो आप लोगों के लिए बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमने अपने स्टूडियो में एक वंडर किड को बुलाया। जी हाँ, चमत्कारी बच्चा। चमत्कारी इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भगवान का, ईश्वर का ऐसा एक आशीर्वाद प्राप्त होता है कि उनका जो टैलेंट होता है, जो इनवर्ट टैलेंट होता है, वो कई अलग अलग दिशाओं में, कई अलग अलग चीजों में निखर के आता है। आज जो बच्ची आज हमारे साथ है उसका नाम है सौंदर्य विश्रुता पांडे। उसके नाम का मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपने अभी देख ही लिया होगा। ताजुब करेंगे ये 4 साल की बच्ची ने जिस तरीके से अपने दिमाग को एक कंप्यूटर बना डाला है, या हो सकता है ये कंप्यूटर वाला दिमाग लेके ही पैदा हुई। इनसे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ लीजिए तो कंप्यूटर से भी कम समय लेते हुए ये उसका जवाब दे देती है। दोस्तों, जब ऐसे कुछ शख्सियत, ऐसे कुछ बच्चों से मिलते हैं तो वाकई विश्वास भगवान पर और ज्यादा बन जाता है, ईश्वर है। तो चलिए, कुछ ईश्वरीय चमत्कार और कुछ हम जानेंगे कि क्या सिर्फ चमत्कार ही बहुत होता है, ना कि इसमें पेरेंट्स का जो है उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जी हाँ, पेरेंटिंग से ही एक्चुअली शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। बच्चे में सीखने की तो क्षमता थी, लेकिन ये बात अभिभावकों के ऊपर जो निर्भर करता है कि वो बेसिकली अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, समझा क्या रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं। तो चलिए, आज इस मिली जुली एक शुरुआती शिक्षा के ऊपर चर्चा करते हैं और मुलाकात करते हैं सौंदर्या से। तो चलिए मिलते हैं लिटिल सौंदर्या। तो अब हम बात कर रहे हैं सौंदर्या विश्रुता पांडे जी से। मैडम हमारे बगल में बैठी हैं, परिचय उन्होंने आपको ऑलरेडी दे दिया, तो आज देखते हैं इनकी चमत्कारी शक्तियां। तो सौंदर्या, आप मुझे बताएंगे आपके सामने क्या रखा हुआ है? ये फ्लैग्स है। फ्लैग्स है तो ढेर सारे कंट्रीज के फ्लैग्स है, तो आपको इस सबके बारे में पता है? सबके बारे में पता है। दोस्तों, मैं बता दूं, यहाँ पे दो तरीके के फ्लैग्स हैं। एक फ्लैग आप जो सौंदर्य की तरफ रखा है, जिसमें कंट्रीज के नेम और उसकी डिटेल्स यहाँ पे हाइड कर दी गई हैं। और एक फ्लैग आप लोगों के लिए आपकी तरफ कैमरा करके हमने रखा हुआ है, जिसमें फ्लैग्स और उसके नेम और डिटेल्स रखे हुए हैं। यानी सौंदर्य इसको नहीं देख सकती है, सौंदर्य को सिर्फ इन फ्लैग्स के बारे में पता होगा। हम इनको रैंडमली पूछेंगे फ्लैग्स के बारे में और देखते सौंदर्य इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। तो सौंदर्य शुरू करें, आर यू रेडी? ओके, सो सौंदर्य ये फ्लैग कौन सा है? नेपाल। ये नेपाल का फ्लैग है? अच्छा, तो नेपाल कहाँ है? नेपाल इंडिया के इस साइड में है। अच्छा, नेपाल इंडिया से लगा हुआ है, बिल्कुल। नेपाल के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नेपाल कैपिटल इज काठमांडू। ओके, नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। और एक ट्राई करते हैं, ये कौन सा फ्लैग है? ये है कांगो। ये नाइजर नियामी। और ये है माइक्रोनेशिया, कैपिटल इज पालिकीर। और ये साउथ कोरिया सियोल। और ये कैमरून। और ये ग्वाटेमाला, कैपिटल इज ग्वाटेमाला, लिबरेटेड इन सितंबर 1821। तो देखा दोस्तों, इतनी सी बच्ची और जिस तरीके से उसने सारे फ्लैग्स के बारे में, कंट्री के बारे में, डिटेल्स के बारे में जिस तरीके से उसने याद कर रखा है, काबिले तारीफ है। और ट्रस्ट मी, स्क्रीन के पीछे हमने इनको जितने फ्लैग्स के बारे में पूछा, जितने देशों के बारे में पूछा, उसके बारे में इन्होंने जितनी इंफॉर्मेशन दी, दैट वाज राइट। तो सौंदर्य, इसके अलावा अगर हम कुछ कंट्रीज के बारे में पूछें तो आप मुझे बता पाएंगे?
अगर मैं पूछूं अभी रशिया की लड़ाई किससे हो रही है? रशिया की लड़ाई यूक्रेन से हो रही है, और फाइटिंग करना इज बैड होता है, वहाँ पर लॉस होता है हर जगह, और बेबीज लोग भी घर छोड़ के भाग जाते हैं वहाँ पर, स्टडी उनकी खराब हो जाती है। बताइए, जहाँ पे हम वयस्क एक दूसरे से युद्ध करने पे तुले हुए हैं, एक छोटी सी बच्ची भी आपको बता रही है कि युद्ध के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, बच्चों को होने वाले नुकसान, आम जीवन, आम नागरिकों को होने वाले नुकसान। बहुत खूबसूरत बात बताई सौंदर्य आपने। अब सौंदर्य कुछ और पूछते हैं आपसे। ये तो हो गई कंट्रीज की बात, आपको तो इसके बारे में सब कुछ ही पता है। कुछ और फटाफट एक रैंडम रैपिड राउंड करें, स्पीड में सिर्फ कंट्रीज बताना है आपको। ओके, ये फ्लैग कौन सा है? ये मोल्डोवा, ये मंगोलिया, ये मलावी, ये सेंट लुशिया, ये नीदरलैंड, ये मेक्सिको, ये स्लोवाकिया। देखा आपने, इन सब चीजों के बारे में सौंदर्य ने दिया तुरंत जवाब। अब कुछ और चीजों के बारे में देखते हैं सौंदर्य बता पाती है कि नहीं। सौंदर्य, गंगा नदी के बारे में तो आपको पता है, गंगा का आविर्भाव कहाँ से होता है, किन जगहों से जाता है, क्या आप गंगा रिवर के बारे में बता सकती हैं? बताइए। उत्तराखंड में शतोपत ग्लेशियर है, वहां से अलकनंदा रिवर का ओरिजिन है। फर्स्ट रिवर मीट करती है धौली गंगा, विष्णुप्रयाग व नंदा देवी नेशनल पार्क भी। सेकंड रिवर मीट करती है नंदाकिनी एट नंदप्रयाग। थर्ड रिवर मीट करती है पिंड रिवर एट कनप्रयाग। फोर्थ रिवर मीट करती है मंदाकिनी एट रुद्रप्रयाग व केदारनाथ टेम्पल भी। बिग श्री शंकर भगवान की टेम्पल है, वह 2013 में फ्लड आ गया था। फिर फिफ्थ रिवर मीट करती है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से, भागीरथी रिवर का ओरिजिन है। बेलांगना रिवर से मीट करती है, टेरी डैम भी है। फिर आगे अलकनंदा रिवर से मीट कर लेती है एट देवप्रयाग, देन इट बिकेम गंगा। फिर फ्लो करते हैं ऋषिकेश, हरिद्वार में राजा जी नेशनल पार्क है, यूपी के फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में बिजनौर, कानपुर, प्रयागराज में यमुना गंगा सरस्वती रिवर है, उस प्लेस का नेम हो जाता है संगम, वह वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग भी होती है। फिर जाते हैं मिर्जापुर के वाराणसी, वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल है, भोले बाबा की टेम्पल है, गोल्ड की टेम्पल है, ओल्ड सिटी ऑफ वर्ल्ड भी है, घाट भी है। फिर जाते हैं गाजीपुर, गाजीपुर में गंगा रिवर से घूमते हैं, मीट करते हैं पीलीभीत में गोमती लेक है, उसका और नेम है फुल्ला लेक है, वो थ्री पार्ट में डिवाइड है। फिर जाते हैं लखनऊ, फिर गाजीपुर में गंगा रिवर से घूमते हैं या मीट कर लेते हैं। फिर जाते हैं बिहार, आरा, पटना सिटी, झारखंड, राजमहल हिल, वेस्ट बंगाल, फरक्का बेरा, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, कोलकाता में नेम हो जाता है हुगली, फिर बे ऑफ बंगाल से में ड्रेन हो जाते हैं, फरक्का बेरा से कैनेडा डिस्ट्रीब्यूटी चल जाती है, बांग्लादेश में इसका नेम हो जाता है पद्मा। दोस्तों, ये शंकर महादेवन का एक हमने ब्रेथलेस गाना सुना था और एक आपने अभी अभी मेरे बगल में सुन लिया। बाप रे, देवी जी आप रोज क्या खाती हैं ये बताएंगे आप दर्शकों को? मैं तो रोज मॉर्निंग में उठ के मिल्क ड्रिंक करती हूँ। मिल्क ड्रिंक करती हैं, तो बच्चे सुन ले, मिल्क अगर आप लेंगे तो ब्रेन आपका ऐसा हो सकता है। वाह सौंदर्य जी, क्या बात है। अब कुछ और आगे चलते हैं। सौंदर्य, अब थोड़ा सा मुझे बताइए, व्हाट एल्स यू कैन डू, क्या क्या आप और कर लेती हैं? मैथ्स में मैंने सुना है आप, पहले तो आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपको इतना सब आता है, किस स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं? मैं LKG में स्टडी करती हूँ। आप LKG में? अरे भैया, यहाँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम लोग को इतना नहीं आता, इनको LKG में इतना आता है। अच्छा सौंदर्य, एक बात बताओ, जब आप सुबह सुबह उठती हैं तो सबसे पहले क्या करती हैं? मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो मैं अपना भोले बाबा का नाम लेती हूँ, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव, और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? इससे मैं भगवान का नाम ले लेती हूँ। अरे बाबा, तो आपने देखा, ये है एक छोटी सी बच्ची और उसका दिमाग। दोस्तों वाकई इनसे जितना पूछता जाए उतनी ही ज्यादा हम आश्चर्यचकित होते जा रहे हैं कि इतनी सी बच्ची कंप्यूटर से भी जल्दी, और आपने पूरा देखा कि कंटिन्यूअस एक कंप्लीट एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इमीडिएटली इसके टिप ऑफ द टंग पर है। तो ऐसे बच्चों की पेरेंटिंग कैसे होती है, आइए अब बात करते हैं गुंजा पांडे जी से, जो कि सौंदर्य जी की मदर है। गुंजा जी, प्राइम टीवी के स्टूडियो में बहुत बहुत आपका स्वागत। आपको तो देवताओं ने जो वरदान दिया है,
और ये जो देवी स्वरूपा बैठी हुई है, हम तो वाकई आश्चर्यचकित हैं। गुंजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के स्टूडियो में, और वाकई हम लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं। ये जो देवी स्वरूपा जो आपको जो चमत्कार जो हासिल हुए आपके परिवार को, वाकई कैसे हैंडल करते हैं एक ऐसा सुपर कंप्यूटर अपने घर में? जी प्रणाम सबसे पहले तो, और प्राइम टीवी और आपको बहुत बहुत थैंक यू। ये हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है, और वो भी हमारी कृषा की वजह से, सौंदर्य है ये, और ये नाम जैसे इनका सौंदर्य तो इनके डैडी ने रखा है, और ये वाकई देख सकते हैं आप, और इनको बहुत ज़्यादा इनको खुद में इंटरेस्ट होता है चीज़ों में, कि कैसे ये क्या चीज़ें लर्न कर लें, कैसे क्या चीज़ें सीख जाएं। तो ये हर टाइम हर चीज़ों के बारे में पूछती रहती हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो प्ले प्ले में भी ये बहुत सारी चीज़ें लर्न कर लेती हैं। जैसे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपको ये कब एहसास हुआ कि आपकी बच्ची में कुछ एक एक्स्ट्रा टैलेंट है, ये कैसे करके आपको पता चला? ये बहुत छोटी थी, हमको लगता है कि शायद 11-12 महीने की, एक साल की करीब रही होंगी। हाँ, तभी ये चीज़ों को बहुत जल्दी आता था, कोई घर पे आता था और कभी फिर बाद में मिले या कहीं दिखे तो ये हमेशा रिकॉल कर लेती थी कि ये इनको यहाँ पे हमने देखा था, ये इस कलर का क्लोथ वियर की थी, आपको नहीं याद है मम्मा? क्या नहीं, हमें तो नहीं याद है, ये बोल लेती थी कि ये इन्होंने ये वियर किया था ऐसे। एक बार तो जब ये 8-9 महीने की थी, मेरे मोबाइल पे पासवर्ड, अब तो सभी के मोबाइल पे पासवर्ड होता है, मोबाइल पे पासवर्ड हुआ करता था, और घर पे हम और ये अकेले थे, तो बच्चों को, छोटे बच्चों को दे दिया जाता मोबाइल लेके फेंकते खेलते ये सब चीज़ें, इनको दे दिए और मोबाइल ओपन करके वो टॉकिंग टॉम होता है वो लग गया, तो हमने कहा कि लग रहा है लॉक खोल करके हमने मोबाइल का दे दिया इसलिए ये टॉकिंग टॉम लग गया। फिर लॉक करके दोबारा, हमने कहा कोई नहीं, लॉक करके फिर दे दिया उसको, जब लॉक करके देखे तो दोबारा फिर देखे टॉकिंग टॉम वहीं लगा हुआ, फिर हमको लगा कि कैसे ओपन हो गया लॉक, लॉक तो हम हमेशा ही करते हैं। फिर हमने कहा बेटा आपने किया सौंदर्य? हाँ, बोलना नहीं जानती थी ये, ना कुछ जानती थी, नंबर बोलना कुछ नहीं जानती थी ये। हमने कहा जब फिर से हमको, सिर्फ उन्होंने उस नंबर को आपका एक बार देख लिया, हाँ, देखते हुए मेमोराइज कर लिया इन्होंने, तो यानी इसकी जो मेमोरी की जो शक्ति है ये कहीं ना कहीं ये बाय बर्थ रहा, और ये आपने फिर रियलाइज करना शुरू किया कि उसमें ये जो टैलेंट है वो इसके इनर टैलेंट को फिर आप लोगों ने वहां से रियलाइज किया। तो ये समझने के बाद कब आपने ये जो इन्फॉर्मेशन जो आती है, अब वो पढ़ना तो जानती नहीं है, इनको जानना बहुत पसंद है चीजों के बारे में। जैसे कुछ किचन में कुक हो रहा है तो ये कुक हो रहा है तो मम्मा ये जो कुक हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इसी पे रखते हैं तो क्यों होता है, ऐसे नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो क्यों नहीं कुक होता है, तो ये होता है कि इस पे ये हो रहा है कुक इसलिए क्योंकि यहाँ पे हीट है, ये 100 डिग्री जब सेल्सियस हो जाता है तो ये हीट होने लगता है। ओके, आइसक्रीम ईट करती हैं तो मामा ये कोल्ड क्यों है, नॉर्मली हम कुछ भी ईट करते हैं तो वो कोल्ड नहीं होती है, तो ये होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज हो जाती है इसलिए कोल्ड हो जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों से इन्होंने लर्न करना, तो इसीलिए तो हमारी इन्फॉर्मेशन को कौन देता था, आप देते थे कि कोई कि फ्लैग्स के बारे में बताना, कंट्रीज के बारे में बताना? इनको एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, उन्होंने 5 टाइम इन्होंने मेंस दिए हुए हैं, तो वो जब स्टडी करते थे तो इनको भी देखते थे, साथ में ही रहते थे तो ये भी देखती थी, तो काफ़ी कुछ देख करके साथ में उनके साथ बोलना और देख करके बहुत ज़्यादा, तो इनको खुद से इंटरेस्ट हो गया वहाँ से। तो जब गंगा रिवर ये सब सिस्टम वो देखते थे, नाइल रिवर, गंगा रिवर, अमेजोन रिवर सिस्टम, तो ये खुद देख करके एक दो रिवर अपने से वो बता देती थी कि हाँ। उसके बाद ये जैसे वो रीड करते थे तो पूछते थे, बच्चों से पूछा जाता बताओ बेटा क्या होगा, तो वो अपने से ही आगे का डिटेल बताने लगी। इतना डिटेल जी, और हर एक जगह का वो डिटेल एकदम से उसने याद कर रखा है, बिल्कुल ताज्जुब की बात है। अच्छा गुंजा जी, एक अहम सवाल इस पर से आता है कि जब आपने ये महसूस किया कि बच्चे में ये टैलेंट है और ये है, तो क्या आप लोग कुछ ओवरवर्क करते हैं इसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि फला देश में ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपकी बेटी सीधे सीधे जो अभी रशिया यूक्रेन की जो वॉर है उसकी भी डिटेल्स वो बता रही है, तो इतनी ज्यादा मतलब क्या आप लोग उसको डिस्कस करके बताते हैं या ये कहाँ से कलेक्ट करते हैं? नहीं सर,
सर देखिए, जिसको इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेनी, नॉलेज तो हर जगह है वैसे तो, तो ऐसा कुछ नहीं कि नॉलेज के लिए या पढ़ाने के लिए इनको एक्स्ट्रा हमको लगना पड़ता है। जो चीज़ें है जहाँ से है उसी में छोटी छोटी चीज़ों में बता दीजिए, जैसे रशिया यूक्रेन की फाइट है तो इनको पूछना है तो यहाँ पे क्या है, रशिया यूक्रेन की फाइट में क्या है, वहाँ क्या सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो इनको वो भी पता है। क्या होता है बता बेटा, रशिया यूक्रेन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्या होता है? यूक्रेन में सबसे ज़्यादा यूक्रेन में नेशनल फ्लावर सनफ्लावर सबसे बहुत ही ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर ऑयल, वहाँ से ऑयल ही आते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों आपके सामने ये जो हमारी जो गूगल चाइल्ड है, वंडर चाइल्ड है, विकिपीडिया चाइल्ड है, साइक्लोपीडिया चाइल्ड है, जितना भी नाम दे दिया जाए वो कम है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि जैसे कि अभी बताया उनकी मदर यहाँ पे बैठी हुई है, गुंजा जी ने बताया कि उसके लिए कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये बच्चों के अंदर अगर आप थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चे उसको खुद से उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ और चीजें हम देखते हैं कि सौंदर्य और हमें किस बारे में बता पाती है। अच्छा सौंदर्य, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जानती इसके बारे में? तो थोड़ा बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्ट्रेच थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज, 17 कंट्रीज, इंडिया के 8 स्टेट में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, मैक्सिको, बहामास, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्गीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, रेड सी, सऊदी अरेबिया, यूएई, गल्फ ऑफ ओमान, इंडिया, इंडिया के 8 स्टेट में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, तवान। प्रश्न तो कंप्लीट करने दिया होता, यहाँ तो प्रश्न भी पूरा नहीं हुआ। तो ये तो आपको पता है कि टॉपिक ऑफ कैंसर का से था। अच्छा छोड़ी और चीजें मुझे बताएं। अच्छा मुझे बताइए कि अगर आपको 4 डिजिट्स का नंबर दिया जाए तो आप उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर ले सकती हैं और वो दोनों हाथ से कर पाती हैं, दोनों हाथ से लिख लेती हैं, एम्बिडेक्चर भी है। प्रभु हम लोग मतलब जिस समय जो टैलेंट बट रहा था पता नहीं उस समय हम लोग कहाँ सोने चले गए थे। इन बच्चों को देख के लगता है वाकई टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी किस्मत की तो जरूर बात रही है, बाकी कुछ गुंजा जी जैसे माताओं की भी बात है, इनके पिताजी को भी बहुत बहुत सलाम कि बच्चों को इस तरीके से जो है थोड़ा सा गाइड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी एक टैलेंट फलता फूलता है। अच्छा सौंदर्य और किस बारे में आप और क्या हमारे जो ऑडियंस है उनको क्या बता सकती हैं और कौन सा नॉलेज आप शेयर करना चाहेंगे आप बताइए। मैं शिवतांडव भी बता सकती हूं और मैं बहुत आप शिव तांडव पूरा बता सकती हैं, पूरा पढ़ सकती हैं? आर यू श्योर? शिव तांडव की बात हो रही है दोस्तों, शिव तांडव अच्छे अच्छे लोग नहीं बोल पाते, आप हमसे पूछेंगे हम लोग भी घबरा जाए। पूरा आता है आपको? 18 श्लोक पूरे आते हैं। 18 श्लोक? मैंने तो शायद 14 ही सुने, if I'm not wrong, 14 श्लोक ही शिवतांडव में चलते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है, आप जो पुरानी टाइप की बुक होंगी वहाँ आपको 18 श्लोक कंप्लीट मिलेंगे। तो 18 श्लोक? जी सर। इन्होंने सुनाइए जरा, पहले तो मैं इनसे सुन लेता हूँ फिर मैं आपसे फिर बात करता हूँ, थोड़ा सुनाइए कैमरे पे। अथा रावण प्रिय शूटांडो श्रोतम जुटाटवी गलज्जल प्रवाह पावी तस्तले गले विलंबी लंबिता भुजंग तुंग मालिका डम 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 निनाद वे हम चकार चंड तांडव तनु तुना शिवा शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निजरी विलोल वी चिवल्लरी विराज मार मूर्धनी धगत 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 जल लाट पट पाप के किशोर चंद शेखर रति प्रति छड़म मम धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु रत्फुरत दिगंथ संतति प्रमोद माने माने से कृपा कटाच धोड़नि निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेत वस्तु निजटा भुजंग पिंगला फुरत फड़ा मणि प्रभा कदंब कुंकुम मंद्रा प्रलिद्धि दिग्व धूम के मदांड सिंधु स्फुरत गुत्तरीय मेधुरे मनो विनोद मद्भुत विभूत भूत भर्तरी सहस्र लोशन
प्रभत शेष लेख शेखर प्रसून धोड़ी धोड़नी विदुष राज गृह पीठ भुजंग राज माल्या निबत्त जाट जूटका सिय चिराय जाहे ता चकोर बंधु शेखरा ललाट जत रिज्वल धरंजेश फुलिंगो भानि पीत पंच सायता नमन निलिंप नायता सुधाम यूख लेखया विराज मार शेखरा महाकपाली संपदे सिरोज ताल मस्तु ना कराल बाल पट्टिका धगत 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 ज्वला धरंजयाऊ दीक्षिता प्रचंड पंच साय काम धरा धरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्प नायक शिल्पनी तिलोचरेतर रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध सुंदरा कला निधानी बंधुरा सियं जगत दुरंदुरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिं प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबत्त कंदरम स्मिरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजाच्छिदं कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजली रस प्रभा माधुरी विजंबड़ाम धूतम स्मिरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे जयत्वता ब्रवी ब्रह्म प्रमद्ध भुजंगम अश्वसा निर्गमक्रम स्फुरत कराल भाल हव्य बाढ़ मृदंग तुंग मंगल ध्वनी क्रम प्रवर्ते प्रचंड तांडव शिव निषद वृचिद तर्पे भुजंग मोक्ति कस्त जो गरिस्थ लथन लोस्ते सुहृद पच पच्छयो तड़ाण विंद चुसो प्रजामही महेंद्रे समम प्रवर्ते यन्मनो कदा सदा शिवम भजे कदा निलिंप निर्जन निकुंज कोट रेव सन विमुक्त दुर्मति सदाशिराय स्तमंजलि वाहन विमुक्त लोल लोचनु ललाम भाल लग्न का सवेति मंत मुच्चरण कदा सुखी भवान्म्यम निलिंपनाथ नागरी कदम्ब मोल मल्लिका निगुंफ निर्भर चरम दूषणी का मनोहरा तनो तुनो मनोमदंग विदोदनी महानिशा पराश्रिया परम पदंत दंग जति सामचय प्रचंड वाड़ वानला प्रभा शुभ प्रचार महास्त सिद्धि कामनी जिना बहुत जल्पना विमुक्त वाम लोचना विवाह काली ध्वनि सिवेति मंत्र भूषणम जगज्जयम जायतम इदम हिनितमेव मुत्तमोत्तमोत्तमम समम पठन स्मरण ब्रुवन नरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरौ शुभक्तिमा श्रुयाति नान्यथागत विमोहनम हिदेहिना सुशंकरस्य चिंतनम नमामि पार्वती पतिम नमामि जानवी पतिम नमामि भक्तवत्सलम नमामि भाललोचनम नमामि चंद्रशेखरम नमामि दुःखमोचनम तदीये पाद पंकज इसमें राम में हम नटेश्वरम पूजा वसान समय दस वक्त गीतम या शंभु पूजन परन पठदी प्रदोषेतस्य राम रत गजेन्द्र तुरंग योक्ताम लक्ष्मी सदे सुखिम प्रददाति शंभु इति श्यावर विचितम शूटांड स्रोत संपूर्णम हर हर महादेव हर हर महादेव। अविश्वसनीय अविश्वसनीय सही में मतलब मैं क्या कहूं गुंजा जी, इस देवी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। वाकई जब बच्चों से ऐसी बातें हम लोग जब सुनते हैं, इस प्रकार के श्लोक सुनते हैं, मंत्र मुग्ध आज मैं हो गया। आज शायद इस एपिसोड को करते हुए, आज पिछले दो साल ढाई साल से हमारा ये सीरीज चला आ रहा है, लेकिन इस एपिसोड को करते हुए मुझे जितनी आज खुशी मिली है, इतनी प्रसन्नता इससे पहले कभी नहीं मिली। मैं इस एपिसोड को देख के बहुत भावुक भी हो रहा हूं। भावुक इसलिए हो रहा हूं कि बच्चों में सिर्फ और सिर्फ भौतिक ज्ञान का होना, उसके साथ साथ अपने धार्मिक ज्ञान, अपने परंपराओं के साथ का पूरा ज्ञान जिस प्रकार से मिला है, उस हिसाब से गुंजा जी आपके समस्त परिवार को मेरा नमन। वाकई काबिले तारीफ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सुनाया तो इन्होंने सुना, आपने सिखाया तो सीखा। ये वाकई बच्ची में बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि प्रभु की एक ईश्वरीय कृपा है कि वो हर चीज को बहुत जल्दी रट सकती है, समझ सकती है, सीख सकती है, लेकिन सिखाने की जिम्मेदारी तो अंततः आप ही लोगों पर है और वो आप लोगों ने बहुत खूबसूरती से निभाई है।
ऐसे ही बच्चे जो है हमारे इस देश की धरोहर है। बहुत गर्व होता है ये सोच के। सौंदर्या, कुछ और चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप क्या दिन भर ये सब पढ़ती रहती है कि खेलती भी है? मैं ये सब पढ़ती भी रहती हूँ। और खेलती है? फ्रेंड्स हैं आपके? क्या खेलना पसंद है आपको? मैं कुछ भी खेल सकती हूँ, वो पसंद है। खुद में अकेले? वो भी आपको पसंद है? अच्छा, तो फ्रेंड्स हैं कि नहीं है? फ्रेंड्स हैं आपके? अच्छा, कुछ फ्रेंड्स के नाम बताएंगे? वो भी फ्रेंड्स शायद टीवी में देखेंगे तो उनको भी खुशी होगी सुन के। कौन कौन आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं? मेरी फ्रेंड है, मेरे घर के जस्ट सामने रहती है, उसका नाम है अक्षिता। अक्षिता आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। ओके ओके, तो उनको भी आप ऐसे सुनाती हैं श्लोक और ये सब सुनाती हैं क्या? वो तो मेरी बस फ्रेंड है, उसको भी पता है, मुझे आता है। अच्छा, उसको भी सब पता है। गुंजा जी, अब थोड़ा सा मैं आपसे पूछूं। आजकल कुछ ऐसे वंडर किड्स के बारे में जब बातचीत होती है तो बहुत सारे बच्चों के नाम अब सामने आ रहे हैं। गूगल किड आया, फिर वो क्वार्टरली की बात होती है, तो तरह तरीके से बच्चों के इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं एक सवाल दर्शक बहुत पूछते हैं और वो ये कि आपको एक ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई, राइट? एक बहुत बड़ा एक वरदान आपको मिला, लेकिन कहीं इसका इस्तेमाल अभिभावक जो है उसको कॉमर्शलाइज करने के लिए तो इसके लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने लग जाते कि जब देख लिया कि बच्चे में टैलेंट है तो जबरदस्ती कुछ ऐसे टैलेंट उसमें पूरे जाते हैं और उस सोच के साथ चला जाता है कि बच्चा वो जल्दी जल्दी सीख लेगा, हर एक जगह पे जाके ऐसा शो देगा। इसके लिए कहीं इसके प्रति तो ये एक एक अंदर ना अंदर एक, एक इच्छा तो नहीं जागृत हो जाती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। पहली चीज ये कि बच्चा मेरा है, वो मेरे साथ लाइफ टाइम है, हम जिसके साथ जो भी करेंगे वो आगे भी वो चीजें होगी जी, और जी। ये नाम और ये चीजें आज है कल नहीं है, उसका कोई वो नहीं। बच्चा मेरे साथ है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये मेरा बच्चा है, तो इसको सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम देखें, हम इसका बचपना है, इसकी पढ़ाई लिखाई है, खेलना कूदना है, सारी चीजों को हम ध्यान दें। तो कैसे करते हैं, मतलब इसको आपने मैनेज कैसे किया, एक बैलेंस कैसे बनाया आपने? ये बैलेंस ऐसे बनाया कि देखिए हर चीजों का एक रूल होता है, तो आप फ्रीडम भी दीजिए और डिसिप्लिन भी दीजिए, तो दोनों बैलेंस चीजें चलेगी तो तभी हो सकती है ये चीजें। आप टीवी भी देखिए, मोबाइल भी देखिए, लेकिन एक टाइम होता है कि आप ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप टीवी देखिए, पेंटिंग कीजिए, जो भी चीजें हो आपको, जो भी चीजें पसंद हो, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब चीजें। और इनको थोड़ा ज्यादा ये रामायण और ये सब चीजें बहुत पसंद है, स्टोरी वगैरह देखना। नहीं पसंद है या आप लोग क्योंकि सुनाते हैं तो इसलिए उनके पास कोई चॉइस नहीं रहता, तो ये टीवी में भी ये देखती हैं। अच्छा। तो ये कार्टून और ये सब चीजें नहीं देखती हैं, ये टीवी में भी स्टोरी देखती हैं, रामायण देखती हैं, कृष्णा देखती हैं, तो ये सब चीजों में इनका ज्यादा इंटरेस्ट है। और उसके अलावा कंट्री, कैपिटल, फ्लैग, ये सब चीजें देखती है। लेकिन ये जो उम्र होती है ना, इसके साथ साथ थोड़े शैतानियों का भी उम्र है। वो तो बहुत है, शैतानी की उम्र है, बचपना बहुत है इनके। अच्छा जी, ये भी एक अब आपकी जो है सीक्रेट सामने आ रही है सौंदर्य। तो शैतान आप है, आपको लगता है आप शैतान है? बहुत ही थोड़ा सा। बहुत ही थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, चलिए ओके एक्सेप्टेड। अच्छा एक चीज मैं जानना चाहूंगा, तो सबसे ज्यादा प्रभावित किससे है, मम्मी से है, पापा से, किससे आप ज्यादा क्लोज हैं? मम्मा। मम्मा से? और पापा को? पापा से थोड़ा सा पास रहती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा पास रहते हैं। और सबसे ज्यादा आपको डांटता कौन है, मम्मी डांटती कि पापा डांटता? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं डांटता? आप इतनी अच्छी लड़की, इतनी अच्छी बच्ची है कि कोई डांटता ही नहीं आपको? नहीं। अरे भाभी, तो बहुत अच्छी बात है। गुंजा जी, क्या ऐसा है क्या आप लोग को डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है? जी नहीं, वो खुद ही इतनी ज्यादा अच्छी लड़की है कि वो सब चीजें अपने से करती है और बिना कहे इन चीजों का, तो बहुत उसको ध्यान रखना बहुत ज्यादा है। हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो स्पंजिंग वगैरह करने लगती है, ये सब चीजें ये बहुत करती है, इतना ध्यान रखती है। और टीवी अगर इनके डैडी ऑन कर दिए, डैडी आप टीवी को वॉल्यूम स्लो कीजिए, मम्मी को हेडेक हो रहा है, आप प्लीज डैडी टीवी मत वॉच कीजिए, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। ऐसा बच्चा तो जैसे कि आप कह चुके हैं कि गॉड गिफ्टेड है, तो सच में ये हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है और बहुत ही गॉड गिफ्टेड है ये। अच्छा गुंजा जी, एक एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा, उसके बाद फिर हम सौंदर्य से कुछ सवाल पूछेंगे अंत में। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि
इनके पिताजी का आपने जैसे बताया कि वो खुद यूपीएससी में कई बार अपेयर हो चुके हैं, और आपके यहाँ पे एक एकेडमिक्स का एक चलन है, सब लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित घर से हैं, क्या आपको क्या लगता है आपकी बेटी जो है, जो आप ये जो टैलेंट जो देख रहे हैं एजुकेशन की तरफ, ये जो आप कंटिन्यूस जो आप अपने बच्चों को जो आप प्रोत्साहित कर रही हैं, कुछ मन में ऐसा है कि मेरी बेटी आगे चलकर ये बनना चाहती, मतलब ये ऐसा मैं देखना चाहती हूँ, इसको मैं टीवी पे लोगों को ऐसे प्रोत्साहित करना करते देखना चाहती हूँ कि इसका कोई जैसे ट्रेडिशनल करियर लोग सोचते हैं डॉक्टर्स इंजीनियर्स वैसा देखना चाहते हैं, आपने क्या सपना देख रखा है? सर सबसे पहले तो हम प्रोत्साहित नहीं, ये हमें उत्साहित और प्रोत्साहित दोनों करती हैं, ये सब इतना अपने से ही डिसाइड करती हैं इनको क्या करना है क्या नहीं, इनके बारे में हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रहा था कि बच्चे का डिसीजन आप बच्चे के ऊपर जरूर छोड़ेंगे। तो सौंदर्य आपने सोचा है आप क्या बनेंगे, हालांकि आप बहुत छोटी हैं अभी सब समझने के लिए कि क्या बड़े होके बनना है, लेकिन आपको तो मुझसे भी बहुत ज्यादा आता है, तो आपको क्या बनना है? आईएएस। आईएएस बनना है? अरे बाप रे, तो सौंदर्य ऑलरेडी डिसाइडेड है आईएएस बनना है, और नॉलेज तो इनके पास भरमार है ही है, और मुझे लगता है ये सबसे यंगेस्ट आईएएस भी बन सकती है। अच्छा सौंदर्य, ये सब तो थी आपकी जो नॉलेज की बातें, और जितनी आपने पूरी ग्लोबल आपने नॉलेज ले रखा है, स्कूल की पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है? उसपे तो जबरदस्ती तो नहीं करना पड़ता, पढ़ लो आज, अपने से इंटरेस्ट होता है तो जल्दी जल्दी रट जाता है आपको, सब याद हो जाता है आपको। हाँ सच में, अब हम पूछे आपको स्कूल की कुछ बातें, पूछे आपके फेवरेट टीचर का नाम बताइए। मेरी फेवरेट टीचर है शोभा मैम। वो क्या पढ़ाती हैं आपको? वो पढ़ाती नहीं, वो ऑफिस की मैम है, उनका ही स्कूल है वो। ऑफिस की मैम है, उनका स्कूल है वो, इनको ज्यादा पसंद है। ओके वेरी गुड, ये तो बात समझ में आती है। अच्छा सौंदर्या, मैंने सुना है आप हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उसके बारे में बहुत कुछ जानती हैं। जानती हैं? अच्छा तो चलिए बताइए कि सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारा कौन सा है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19। आपके हिसाब से आर्टिकल 19 सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड 26 जनवरी 1950। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, फर्स्ट स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड असेंबली, थर्ड एसोसिएशन एंड यूनियन, फोर्थ फ्री मूवमेंट, फाइव राइट टू रेसिडेंस, सिक्स राइट टू प्रोफेशन। बाप रे, आपके तो चरण धो के रोज पीना चाहिए। दोस्तों अभी से इनको आर्टिकल्स के बारे में पता है, कंट्रीज के बारे में पता है, करंट टॉपिक्स के बारे में पता है, ग्लोबल सिचुएशन के बारे में पता है, इनको सारी जानकारियां आज ही के दिन में इनके पास उपलब्ध है। ये है हमारी बेबी वंडर सौंदर्य। अभी कुछ बताना चाहती हैं अंकल? बस एक चीज आपको बताना चाहती हूँ जो सबके लिए है। बोलिए बोलिए, कैमरे पे बोलिए, वो देखिए कैमरा। Try your best. If you always try your best, then you will never have to wonder. Then you will never have to wonder about what you could have done if you'd summoned all your thunder. And if your best was not as good as you hoped it would be, you still could say, "I gave today all that I had in me." अब इनके लिए क्या कहा जाए? इन दो सालों में इतने सारे इंटरव्यूज लिए, इतने लोगों के साथ मैं बैठा, कितनों के साथ चर्चाएं की, मेरी कुछ नोक झोक आपने हमारे अन्य चैनलों पर भी देखा होगा, लेकिन आज इस एपिसोड को करते हुए मेरे पसीने छूट गए। तो आज जो है ये है सौंदर्य जी, और सौंदर्य विश्रुत पांडे को आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाकर जो मुझे जो खुशी की प्राप्ति हुई है, और मैं आशा करता हूं इस कार्यक्रम से जो हमारे दर्शक खुश हुए होंगे उसकी कोई सीमा नहीं रही होगी। दोस्तों हर एक बच्चा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, स्पेशल होता है। हम सब सबके बच्चों में
कुछ न कुछ एक टैलेंट ऐसा होता है जो उनमें छुपा हुआ रहता है। बस हम अभिभावक ही कहीं ना कहीं बच्चों में झांक के वो जो उनके अंदर की जो क्वालिटी होती है, वो जो टैलेंट होती है, उसको कहीं ना कहीं हम पहचानना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, या इतना व्यस्त हो जाते हैं हम लोग उसको पहचानना चाहते ही नहीं है। अपने बच्चों में ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ गुण उनके ऐसे होंगे जो कि वो उनको बिल्कुल दूसरों से अलग बनाता है। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। बस हम अभिभावक भी उतना स्पेशल अगर बन सके कि हम अपने बच्चों में झांक के उनके उस गुण को अगर हम बढ़ा सके, तो दोस्तों हर एक बच्चा, हमारे देश में रहने वाले हर एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, सब इतने ही टैलेंटेड निकलेंगे, इतने ही आश्चर्यजनक जो शक्तियां जो दिखाई दे रही हैं, जो उनमें छुपी हुई हैं, वो निकाल पाएंगे। ऐसे बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको बहुत बहुत फिर से एक बार मैं नमन करता हूँ गुंजा जी, बहुत 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 शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इस चमत्कारी बच्ची को जिस तरीके से आप लालन पालन कर रही हैं, इनको जैसे पढ़ा रही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे देश के लिए ये ऐसी एक धरोहर, और इस प्रकार से कई धरोहर जो अलग अलग घरों में पल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कल का देश जो हमारा होगा वो आज के देश से बहुत अलग होगा। ये सब उम्मीद लेते हुए आज हम आपसे विदा लेते हैं। एक बार फिर से हम आपसे अगले सप्ताह मिलेंगे करियर काउच में शुभांकर पर, तो देखना मत भूलिएगा करियर काउच में शुभांकर हर रविवार रात 9 बजे ओनली ऑन Prime TV। Thank you. Goodbye.